जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपका भी एयरटेल पेमेंट बैंक का CSP है और ब्लॉक हो गया है तो किस तरीके से आप उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। आज के इस वीडियोस में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस में बताने वाले हैं। सुबह चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं मेहमान आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर एक रिलेटिव से वीडियोस बना के लाते रहते हैं। सुबह चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एयरटेल मित्र एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे देख रहे हैं लॉग इन वीआई एयरटेल पेमेंट बैंक, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको लापू नंबर और पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका लापू नंबर है और पासवर्ड है। तो चलिए फटाफट से मैं अपना लापू और पासवर्ड डाल देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना लापू नंबर पासवर्ड डाल दिया है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यूजर इज ब्लॉक का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे लापू नंबर डालने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सुगज यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा OTP आ चुका है। यहाँ पे OTP कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। सुगज यहाँ पे मैंने अपना OTP पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे देख सकते हैं यूजर लॉग इन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है ब्लॉक हुआ यूज़र आईडी को आप अनब्लॉक कर सकते हैं। तो ये वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा सारा के सारा ऑल फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पे लॉगिन किया है। मैंने जैसे ही इसको लॉगिन कर दिया है आपके सामने जो भी प्रोवाइड किया गया है सर्विसेज, सारे के सारे सर्विसेज यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको लॉगिन करने के बाद इसमें जो भी ट्रेनिंग होता है वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कर लेना होगा। कंप्लीट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जो है फर्स्ट टाइम जो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम पे जो क्लिक करेंगे, वहां पे जो आप आधार कार्ड डालेंगे, आप खुद का ही आधार कार्ड डाल के सबसे पहले अपना ही अंगूठा लगाएं। अगर आप किसी फर्स्ट टाइम अगर किसी दूसरे कस्टमर का अंगूठा आप लगा देते हैं तो वो जो है 6 मंथ के लिए जो है आप उसका ही अंगूठा आपके एयरटेल पेमेंट बैंक में काम करेगा, उसके अलावा किसी का भी अंगूठा इसमें काम नहीं करेगा। तो आप ऐसा कोई भी गलती ना करें जिसके कारण आपका एयरटेल पेमेंट बैंक का जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है वो आप काम नहीं कर पाए, उसमें उसका जो है फायदा आप नहीं उठा पाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो आप जब इसे आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को यूज करें तो उसमें फर्स्ट टाइम आप अपना ही अंगूठा लगाए, ताकि आप इसमें आसानी से वर्क कर सके और आपका जो अंगूठा है यहाँ पे मैच हो सके। एयरटेल पेमेंट बैंक के और भी बहुत सारे सर्विसेस है जिसका वीडियो हम आप लोग के लिए बना के लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नहीं माना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर एक रिलेटिव से वीडियोस बना के लाते रहते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए भाई जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।